महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील छत्रपाल केदार गुरुवार को श्री सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने श्री बालाजी महाराज के दर्शन किए तथा देश और दुनिया में अमन चैन कायम रहने की मंगल कामनाएं की। बालाजी महाराज को दर्शन किए और बालाजी महाराज बोलो कि ये सारे संकट से दूर दे, कोरोना हमारे दिल से दूर दूर जाए, आम आदमी सुखी हो जाए और बालाजी के आशीर्वाद से फिर से इस देश में आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली। सालासर मंदिर प्रांगण में पुजारी परिवार द्वारा श्री केदार का पुष्पमाला व श्री बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। दर्शन के पश्चात महाराष्ट्र के काबिना मंत्री ने श्री बालाजी गौशाला का अवलोकन किया। गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने उन्हें गौशाला के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने साफा व दुपट्टा उड़ाकर सभी का अभिनंदन किया। मंत्री ने गौपूजन के पश्चात गौवंश को गुड़ बहरा चारा खिलाया। उन्होंने गौशाला में संचालित अस्पताल, पक्षी विहार, पंचगव्य उत्पादक यूनिट का अवलोकन भी किया। अवलोकन के बाद मंत्री सुनील छत्रपाल केदार ने व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा कि गौपालन व गौ सेवा हमारी संस्कृति में महान परंपरा रही है। यहाँ की व्यवस्था देखकर हम प्रेरित हुए हैं और इस प्रेरणा को लेकर महाराष्ट्र में गौ सेवा के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जब हमारे बेटी कुछ भाई लोग गौ के प्रति अपनी सेवा श्रद्धा के माध्यम से वहाँ पे देते हैं। गौ की सेवा ही ये आज के दिनों में संस्कृति का एक अंग है और यहाँ पे जो ये संस्कृति पाए रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस गौशाला को देख के हम भी प्रेरित हुए, इस चीज़ की प्रेरणा लेके मेरे महाराष्ट्र में भी गौ की सेवा करने के लिए हम अधिक प्रयत्न करेंगे। इस अवसर पर जयप्रकाश पुजारी, अंकित पुजारी व डॉक्टर धनपत चौधरी, संयुक्त निदेशक पशुपालन चुरू, डॉक्टर चिरानिया, SHO संदीप विश्नोई, नायब तहसीलदार बसंत परोसरिया, बेगाराम ढाका, गजानंद शर्मा, शिशु कुमार शर्मा, दीनदयाल गुलेरिया, भागीरथ शर्मा सहित अनेक गौ सेवक उपस्थित थे।